अजय नंदाज केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्लस टू केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शंस की। रेट ऑफ रिएक्शंस पे कैटलिस्ट का किस तरह से इफेक्ट होता है उसकी बात करेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उनकी बात करेंगे। फोटो सेंसिटाइजर्स क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदारन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। जरा आप इस ग्राफ को याद करिए, हमने जब ये ग्राफ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हमने कहा था कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एनर्जी प्रोडक्ट्स की है। ये एनर्जी रिएक्टेंट्स की है, इट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो द रिएक्टेंट्स दे चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, एंड फॉर ए रिएक्शन टू प्रोसीड इट हैज टू क्रॉस एन एनर्जी मैक्सिमा, इसको ये एनर्जी मैक्सिमा क्रॉस करना पड़ता है। और ये जो एनर्जी मैक्सिमा है, यहां पर जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब केवल वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। जिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे कम बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, वही प्रोडक्ट्स में चेंज करेंगे। जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, दे वॉन्ट चेंज इन टू प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होंगे। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए जो रिएक्टेंट्स को हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं, That energy is called activation energy. उसे activation energy कहते हैं। So activation energy वो वाली extra energy है that must be supplied to the reactants so that their energy becomes equal to threshold energy, so that these reactants can change into products. ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो मैंने कहा activation energy क्या होती है? The extra amount of energy that must be supplied to the reactants so that they can change into products. उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो रिएक्शन स्लो होगी, दैट रिएक्शन विल बी स्लो रिएक्शन। रीजन, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड, वो रिएक्शन ऑब्वियसली स्लो होगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लेसर, द रिएक्शन विल बी फास्टर, तो वो रिएक्शन फास्टर होगी। This we have talked about. अब जरा बात करते हैं कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए एनर्जी सप्लाई करता है? कैसे काम करता है कैटलिस्ट, जरा इसकी बात करते हैं। पहले समझ लें कैटलिस्ट होता क्या है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच एक्सेलरेट्स द रिएक्शन, विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन एंड द कंडीशन इज इट इज रिकवर्ड अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। मीन्स कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को तो इंक्रीज कर रहा है पर खुद में उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इटसेल्फ, इट इज रिकवर्ड अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम क्लोरेट, जब हम लोग उसको हीट करते हैं टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, तो वी यूज ए कैटलिस्ट MnO2। सो दिस MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी। जब आप हैवर प्रोसेस की बात करिए, जहां हम लोग अमोनिया की मैन्युफैक्चर करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया, इस रिएक्शन में हम लोग आयरन और मॉलिब्डेनम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो वाला सब्सटेंस है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इटसेल्फ, या विच इज रिकवर्ड अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। अभी कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है, क्या करता है वो, कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जब रोल ऑफ कैटलिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं,
थ्रू एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हियर वी हैव गॉट रिएक्टेंट्स एंड हियर वी हैव गॉट प्रोडक्ट्स। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स विद द पासेज ऑफ टाइम। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ये जब रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हमने की, और ये जो रेड वाला है इट शोज द रिएक्शन विद कैटलिस्ट। अब अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें तो यू विल फाइंड कि कैटलिस्ट ने क्या किया है कि उस रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट्स की पोजीशन चेंज की, ना प्रोडक्ट्स की पोजीशन चेंज की, ना रिएक्टेंट्स में कोई चेंज लाया, ना प्रोडक्ट्स में कोई चेंज लाया, बट उसने रिएक्शन का पाथ चेंज कर दिया। इट चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन। जिस पाथ पे पहले रिएक्शन प्रोसीड की थी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इट वॉज, मैं इसको ई ए वन बोल देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी वन, और अब इस रिएक्शन पे जहाँ रिएक्शन फॉलो हो रही है इट इज ई ए टू। यू सी द डिफरेंस, एक्टिवेशन एनर्जी वन इज मच मच हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी टू। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्शन स्लो होगी, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी सो रिएक्शन विल बी फास्टर। तो आप यहाँ देखें ई ए टू बहुत कम है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक कैटलिस्ट करता क्या है, अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जरा बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। व्हाट आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस? फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती हैं विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या वो वाली रिएक्शंस जिनकी स्पीड, जिनका रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेडिएशंस। ऐसी रिएक्शंस जिनकी स्पीड रेडिएशंस पर डिपेंड करती है, लाइट पर डिपेंड करती है, उनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जरा आप ये देखें एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव HCl। अब ये रिएक्शन अगर आप डार्क में करेंगे तो दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क, ये डार्क में नहीं होती, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन बड़ा विगरसली होती है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसी रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस की स्पीड मल्टी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। अब इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कुछ फीचर्स को स्टडी करते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं दे अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये डार्क में रिएक्ट नहीं करते, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रिएक्ट विगरसली, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। इन रिएक्शंस की अकरेंस एनर्जी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करती है। अब देखिए आप लोग, हर रेडिएशन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज एसोसिएटेड विद देम। तो कुछ रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी, कुछ रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ रिएक्शंस को पर्टिकुलर कलर की लाइट कैटलाइज नहीं कर पाती, पर्टिकुलर कलर की लाइट उन रिएक्शन को करवा नहीं पाती, पर दूसरी जो लाइट है वो करवा देती है। यानी जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उन रिएक्शन को करवा देती है, पर जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो उन रिएक्शंस को नहीं करवा पाती। रीजन क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उन रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन के लिए चाहिए थी वो रेडिएशन उसको नहीं प्रोवाइड कर पाई। सपोज कीजिए मैं एक रेडिएशन, मेरे पास ए है, एक रेडिएशन बी है, ए की फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, बी की फ्रीक्वेंसी न्यू टू है, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो एच न्यू टू से ज़्यादा चाहिए,
अगर वो इससे ज़्यादा चाहिए है, इन दैट केस न्यूट्रॉन विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट दिस रिएक्शन, वो इस रिएक्शन को नहीं करवा पाएगी क्योंकि उसकी जो एनर्जी है उससे ज़्यादा चाहिए है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेडिएशंस हैं वो सारी की सारी रेडिएशंस, सारे के सारे कलर्स की लाइट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को करवा पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई रिएक्शन, कोई रेडिएशन करवा पाए, हो सकता है कोई नहीं करवा पाए। इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। सो अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैं यूं कह सकता हूं, द अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगला फीचर इसका, अ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब्स लाइट या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट मे ट्रांसफर एक्स्ट्रा एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल विच अंडरगोज द रिएक्शन। ऐसा भी बहुत बार होता है कि हाइड्रोजन की अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो आप सनलाइट में भी रख दीजिए, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। पर अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी करता हूं सनलाइट में तो ये रिएक्शन हो जाती है। अब हुआ क्या कि हाइड्रोजन वाज नॉट इन ए पोजीशन टू एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी थी ये एब्जॉर्ब की मर्करी ने, और फिर मर्करी ने ये एनर्जी ट्रांसफर कर दी हाइड्रोजन को। और ये जो हमारे पास एक्साइटेड हाइड्रोजन बनी, इट अंडरगोज डिसोसिएशन। तो यहां क्या हुआ कि मर्करी ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो ट्रांसफर कर दी हाइड्रोजन को, और फिर हाइड्रोजन की रिएक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है इट अंडरगोज रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन, इसको फोटोसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का अनदर फीचर था कि कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं और फिर वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को, विच रिजल्ट्स इन द रिएक्शन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। ए ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो ट्रांसफर कर दी बी को, सो दैट बी अंडरगोज द रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब की ए ने, अगर आप बी को डायरेक्ट एनर्जी देंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ए ने एब्जॉर्ब की रेडिएशन से एनर्जी और फिर उसने ट्रांसफर कर दी टू बी। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एक और खास बात थी। अब जरा फोटोकेमिकल रिएक्शंस किस तरह से होती है, जरा मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इनका मैकेनिज्म तीन स्टेप में मैं डिस्कस करूंगा, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। थोड़ा चेन इनिशिएशन स्टेप की बात करते हैं। ये जो चेन इनिशिएशन स्टेप होता है इसमें एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अब फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक रिएक्शन है H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स अस 2HCl। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2 मॉलिक्यूल, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन एटम्स जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इनिशिएशन स्टेप वो हुआ जहां पे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, सो हियर वी हैव गॉट टू फ्री रेडिकल्स। इन द सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में जहां एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा वहां एक नया बनेगा, रिएक्शन कंटिन्यू होती है इसमें। एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा तो एक नया बनेगा, जैसे ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया टू गिव HCl प्लस एक नया फ्री रेडिकल H बन गया।
अब ये जो एच फ्री रेडिकल बना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया टू गिव HCl और एक और फ्री रेडिकल। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे, ऐसा स्टेप जहाँ पे एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है और एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होता है, एक फ्री रेडिकल कंज्यूम हुआ, एक नया जनरेट हुआ, उसे हम लोग कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। तो ये सेकेंड स्टेप है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, जहाँ पे एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है और एक दूसरा जनरेट होता है। देन इज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इन द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप ये फ्री रेडिकल्स दे कंबाइन टूगेदर, वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे एच फ्री रेडिकल सीएल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया, सीएल फ्री रेडिकल सीएल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके सीएल टू बना देता है, एच फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके एच टू। अब यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, जितने फ्री रेडिकल्स थे वो कंज्यूम हो गए। तो इस तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें तीन स्टेप थे, इनिशिएशन जहाँ पे नया फ्री रेडिकल बनता है, सेकंड जहाँ पे एक फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है तो एक नया बनता है, दैट वाज चेन प्रोपेगेशन स्टेप, एंड द टर्मिनेटिंग स्टेप द फ्री रेडिकल्स गेट कंज्यूम्ड। अब बात करते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन की। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ रिएक्शंस में सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन से और उसे ट्रांसमिट कर देता है, उसे आगे ट्रांसफर कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल को, विच अंडरगोज रिएक्शन, उनको हम लोग फोटोसेंसिटाइजर बोलते हैं। द सब्सटेंसेस विच व्हेन एडेड टू ए रिएक्शन मिक्सचर हेल्प टू स्टार्ट ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं उन सब्सटेंसेस को फोटोसेंसिटाइजर्स बोलते हैं। और ये जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन देमसेल्व्स। ऐसे सब्सटेंस जिनको रिएक्शन मिक्सचर में आप ऐड करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट तो कर दें पर खुद में कोई चेंज ना हो, उनको हम लोग फोटोसेंसिटाइजर्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजर्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन, इसको फोटोसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, लेट अस टॉक सम एग्जांपल्स, जैसे मरकरी। मैंने कहा कि इसने रेडिएशन से एनर्जी अब्सॉर्ब की, एक्टिवेटेड मरकरी, दिस एक्टिवेटेड मरकरी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और इसने हाइड्रोजन को एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो मरकरी की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोजन को एनर्जी ट्रांसफर हुई और फिर ये जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन थी ये डिसोसिएट हुई। तो ये जो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन के एक और एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे हम लोग सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रिएक्ट टूगेदर टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो एटमॉस्फेयर में बहुत से हैं, सनलाइट भी है, तो वहां पे ये दे ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्यों नहीं बना देते? व्हाई डोंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन सनलाइट, जब यही रिएक्शन होनी है तो? द रीजन इज फोटोसेंसिटाइजेशन बाय क्लोरोफिल। अब क्या होता है, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब करी और इट बिकम्स एक्टिवेटेड क्लोरोफिल। ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है और ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल एनर्जी ट्रांसफर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर ये जो एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, दिस 6CO2 + 6 water, और अब ये जो क्लोरोफिल था उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, अब ये एक्साइटेड नहीं रहा।
ये जो एक्साइटेड या एक्टिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वाटर हैं, दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. सो दिस वे फोटोसेंसिटाइजेशन टेक्स प्लेस. ये जो यहां पे क्लोरोफिल हुआ, इट इज फोटोसेंसिटाइजर. मर्करी हुआ, इट इज फोटोसेंसिटाइजर. और ये जो रिएक्शंस हुई जो फोटोसेंसिटाइजर की वजह से हुई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन. होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.